नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। शास्त्रों में शिव के अवतार काल भैरव को मृत्यु का अभय देने वाला देव माना जाता है। कहते हैं कि साल में काल अष्टमी के दिन जो कोई भी विधि विधान के साथ काल भैरव की आराधना उपासना करता है, उसे मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। आज अध्यात्म के इस सफर में आप जानेंगे कि काल अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे करनी है काल भैरव की आराधना, और साथ ही आपको लेकर चलेंगे भगवान काल भैरव के उस धाम में जहाँ होते हैं बटुक भैरव के साक्षात दर्शन। कर लीजिए काल भैरव को प्रसन्न। काल भैरव अष्टमी पर मिलेगा वरदान। दूर होंगे संकट, कट जाएंगे सारे पाप। काल भैरव शिव अवतारी हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी भैरव अष्टमी कहलाती है। लेकिन जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जिस दिन अष्टमी की तिथि आती है, उस दिन काल भैरव अष्टमी की पूजा का विधान बताया गया है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप का जन्म हुआ था। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कालअष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति काल भैरव की पूजा करता है, उसको भय से अभय मिलता है। कालअष्टमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। भगवान काल भैरव की पूजा रात में की जाती है, क्योंकि शास्त्रोक्त मान्यता है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न के समय भगवान शंकर के अंश से भैरव रूप की उत्पत्ति हुई थी। इस बार शनिवार को पड़ रही है काल भैरव अष्टमी। 27 नवंबर को होगी काल भैरव की पूजा। सुबह 5:43 से अष्टमी तिथि लगेगी। 28 नवंबर सुबह 6 तक रहेगी तिथि। नारद पुराण में काल भैरव अष्टमी के पूजा का विधान और महत्व बताया गया है। काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनुष्य किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित है तो वो रोग, तकलीफ और दुख भी दूर हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, पितरों को याद करें, काल भैरव के मंत्रों से उनकी आराधना करें। शाम को किसी भी काल भैरव मंदिर जाएं, भैरव की प्रतिमा के आगे चौमुखा दीप जलाएं, अर्धरात्रि में भगवान काल भैरव की पूजा करें, काल भैरव को उड़द, सरसों का तेल, काले तिल अर्पित करें, इमरती, जलेबी और पान का अर्पण जरूर करें, आसन पर बैठकर काल भैरव चालीसा का पाठ करें, व्रत के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां जरूर खिलाएं। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपति भी कहते हैं। वाराणसी में दंड से मुक्ति दिलाने के कारण इन्हें दंडपाणि भी कहते हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि जो भी भगवान भैरव के भक्तों के साथ अहित करता है, उसे तीनों लोकों में कहीं भी शरण नहीं मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिप्रा के तट पर बसी ये नगरी शिवतीर्थ के साथ साथ सप्तपुरियों में से एक है। महाकाल की इस नगरी की सुरक्षा महाकाल के सेनापति काल भैरव करते हैं। वैसे तो काल भैरव भगवान शिव के रौद्र अवतार माने जाते हैं, लेकिन भक्ति के करुण पुकार सुन काल भैरव दौड़े चले आते हैं। वो नगरी भगवान शिव का दरबार है। काल स्वरूप में विराजते हैं भगवान शंकर। काल के साथ मृत्यु के भय को दूर करते हैं भगवान महाकाल। मोक्षदायिनी
शिप्रा के तट पर बसी सप्तपुरियों में से एक उस नगरी के कण कण में शंकर व्याप्त हैं। शिव उस नगरी के राजा हैं, लेकिन उस नगरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान शंकर ने सौंपी है अपने अवतार काल भैरव को। शिव की नगरी में काल भैरव अपने बाल स्वरूप में विराजमान रहते हैं, जिन्हें बटुक भैरव कहते हैं। तो आपको भी अगर बटुक भैरव का पाना है वरदान, तो आपको आना होगा मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। ऐसे कोई निस्संतान दंपति रहते हैं, प्रभु की कृपा से यहाँ पे मन्नत लेके यहाँ से गोद भरवाते हैं, तो प्रभु कृपा से उनके यहाँ भी संतति की उत्पत्ति होती है और उनकी भी संतति की वृद्धि होती है। यह यहाँ पे विधान है यहाँ का। यहाँ पे तीन तरह के से भोग लगते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। बटुक भैरव के रूप में बाबा का बाल स्वरूप में पूजन होता है। बटुक भैरव को श्रद्धालु दूध, बिस्किट, चॉकलेट एक बाल स्वरूप के रूप में जैसे प्रसाद लाते हैं, पंचमेवा है, मिठाइयाँ हैं, इस प्रकार का भोग बटुक भैरव जी को अर्पण किया जाता है। महाकाल की इस नगरी में मोक्षदायिनी शिप्रा शिव के पांव पखारती है और शिव स्वयं भक्तों को जीवन और मृत्यु के चक्र को खत्म कर मोक्ष का वर देते हैं। काल भैरव का ये दरबार भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आराधना की वो मंजिल है, जहां सुबह शाम बजने वाले घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास करवाती है। जहां दूर दूर से भक्त मुश्किलों की परवाह किए बगैर चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस इंतजार होता है भगवान के स्वरूप से मिलने का। मैं हर साल महाकाल आता था, दर्शन करता था, लेकिन यहाँ तक आने का मुझे मौका नहीं मिलता, लेकिन बाबा जी के साथ श्रद्धा थी, एक मनोकामना थी जो मेरी पूरी हो। हम हमारे बच्चे के लिए आए थे भगवान काल भैरव के पास, हमने मन्नत मांगी थी हमारे बाबू के लिए, वो अच्छे से हो जाए, वो आईसीयू में भर्ती था, तो हमने मन्नत मांगी कि हम दर्शन करने आएंगे, तो हम आज हमारे बाबू अच्छा है, हेल्दी है, तो हम उनके दर्शन करने आए थे। सारी विशेष पूरी होती है हर किसी की, तो ऐसे सभी लोग आते भी हैं यहाँ पे, तो बस उसी श्रद्धा के साथ मैं भी आई हूँ और डेफिनेटली विश पूरी होगी। हम उनके भक्त हैं, उनको मानते हैं, मेरी आस्था है, सत्य है, बिल्कुल कहने की बात नहीं है। लखनऊ से हम लोग आए हैं, लगातार जब भी आते हैं उज्जैन महाकाल आते हैं, तो यहाँ भी आते हैं मंदिर। काल भैरव हमारी जिंदगी के सारे कष्टों को दूर करेंगे। वैसे तो काल भैरव के इस मंदिर में पैर रखते ही मन में एक अजीब सी शांति का एहसास होता है, लगता है मानो सारे दुख दूर हो गए। लेकिन काल भैरव को ग्रहों की बाधा दूर करने वाला भगवान परमेश्वर और आराध्य माना गया है। मान्यता है कि ये भगवान का भैरव का दरबार 6000 साल प्राचीन है, जहां काल भैरव आने वाले भक्तों को असीम आयु का वरदान देते हैं। कहते हैं कि उज्जैन के सेनापति के रूप में विराजित काल भैरव शिप्रा के तट पर ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने आए थे, जिसके बाद भगवान शंकर के आदेश के बाद वो इसी नगरी में विराजित हो गए। भैरव शिव स्वरूप है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक काल भैरव को ये वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा हो। इसलिए उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक उज्जैन में काल भैरव के दर्शन न कर लिए जाएं। उज्जैन के इस दरबार में भगवान काल भैरव बाल स्वरूप में पूजित हैं, जिनको बटुक भैरव कहते हैं।
यहाँ काल भैरव जी की तीन प्रकार से पूजा होती है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। यहाँ राहु की शांति के लिए और अन्य ग्रहों की शांति के लिए भगवान भोग लगाया जाता है कि मनोकामनाएं परिपूर्ण करते हैं। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं है। यहाँ साल भर भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रविवार की पूजा का यहाँ विशेष महत्व होता है। काल भैरव का चमत्कार जितना हैरान करने वाला है, उतनी ही दिलचस्प है उनके उज्जैन में बसने की कहानी भी। स्कंद पुराण की कथा कहती है कि चारों वेद के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जब पांचवें वेद की रचना करने का फैसला किया तो देवता परेशान हो गए। सभी देव ब्रह्मा जी को रोकने के लिए भगवान महादेव की शरण में गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने महादेव की बात भी नहीं मानी। कहते हैं बस इसी बात पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। गुस्से की वजह से उनके तीसरे नेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई। ज्योति ने काल भैरव का रौद्र रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को धड़ से अलग कर दिया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का घमंड तो दूर कर दिया, लेकिन उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। दोष मुक्ति के लिए भैरव दर दर भटकते रहे, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना की। शिव ने उन्हें शिप्रा नदी में स्नान कर तपस्या करने को कहा। ऐसा करने पर काल भैरव को दोष से मुक्ति मिली और वो सदा के लिए उज्जैन में विराजमान हो गए। बटुक भैरव को पुराणों में त्रिदेवों में वंदित माना गया है। उनकी उपासना कल्प वृक्ष के समान है, इसीलिए उनको आनंद भैरव भी कहते हैं। मान्यता है कि काल भैरव के बटुक स्वरूप ने ही आपदा नाम के राक्षस का वध किया था। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी साधक के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आए तो कलयुग में बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री बटुक भैरव के इस सात्विक ध्यान से सभी प्रकार की अपमृत्यु का नाश होता है, आपदाओं का निवारण होता है, आयु की वृद्धि होती है, आरोग्य और मुक्ति पद का लाभ मिलता है। बटुक भैरव की पूजा सात्विक विधि से की जाती है। ज्योतिष के अनुसार राहु केतु से संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए बटुक भैरव की साधना अत्यंत फलदायी मानी गई है। यहाँ प्रायः देवताओं की दो प्रकार से पूजा होती है, सात्विक और राजसिक। यहाँ काल भैरव जी की तीन प्रकार से पूजा होती है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। यहाँ राहु की शांति के लिए और अन्य ग्रहों की शांति के लिए भगवान भोग लगाया जाता है कि मनोकामनाएं परिपूर्ण करते हैं। भैरव बाबा की आराधना से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। श्री भैरव साक्षात रुद्र हैं। शिव पुराण में उन्हें भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। बटुक भैरव की उपासना गृहस्थों के लिए सर्वाधिक फलदायी है। भगवान भैरव का ये दरबार रहस्यमयी है। इस दरबार से जुड़ी ऐसी अनेकों परंपराएं हैं जो कि सदियों से एक ही रूप में निभाई जाती रही हैं। इस दरबार में भगवान काल भैरव मराठा पगड़ी पहनकर विराजमान रहते हैं, जो पेशवा की तरह दिखाई देते हैं और देते हैं सुख और समृद्धि के साथ साथ मोक्ष का वरदान। उज्जैन के इस दरबार में काल भैरव चांदी के दरबार में विराजमान हैं। बाबा चांदी की चौकी पर सुशोभित रहते हैं। बाबा के दरबार में काल भैरव सिंदूरी रंग में नजर आते हैं। मान्यता है कि भैरव का ये बाल स्वरूप कुंडली के हर ग्रह दोष को दूर कर देते हैं। बाबा का छत्र चांदी का है, सिंहासन भी चांदी का और बाबा का द्वार भी चांदी से बना हुआ है। बाबा शिव अवतारी हैं,
इसलिए काल भैरव हमेशा रुद्राक्ष की मालाओं से सुशोभित रहते हैं। चांदी के गर्भगृह में विराजमान बाबा का स्वरूप काफी मनमोहक है। बाबा के स्वरूप को जितना देखते जाओ ये उतना ही मन में बसता जाता है। इस धाम में भैरव बाबा का अर्चन पूजन देखभाल किसी बालक की तरह किया जाता है। बाबा का ये धाम बाहर से किसी किले की तरह दिखता है। क्योंकि इंदौर मराठा सरदारों का गढ़ रहा है, इंदौर की रियासत में उज्जैन रहा है, इसलिए मंदिर का बाहर का आवरण मराठा स्थापत्य से प्रभावित दिखता है। किले नुमा मेहराब में काले पत्थर की दीवारें बनाई गई हैं। दो मंजिला ये द्वार जिससे निकलकर आगे जाना होता है। ऊपरी मंजिल प्राचीन काल में सुरक्षा के लिए थी, जिस पर सैनिक मंदिर की निगरानी करते थे। इस दरवाजे के अंदर घुसते ही मुख्य मंदिर के दर्शन होते हैं। बाबा बटुक भैरव सोने से जड़े गुंबद वाले गर्भगृह में विराजमान हैं। मंदिर के शिखर पर लहराती भगवा पताका साफ साफ दर्शाती है कि सिद्ध धाम में बाबा भैरव का स्थान है। कुछ सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु सीधे बाबा के रूबरू होते हैं। बाबा बटुक भैरव स्वरूप की आरती विशेष पुण्यकारी मानी जाती है। काले कपड़े पहनकर मंदिर के महंत बटुक भैरव की दीप आरती करते हैं। आरती के वक्त भक्तों द्वारा भजन कीर्तन होता है, जो माहौल को और भी अलौकिक बनाता है। बाबा भैरव का स्वरूप जितना आकर्षक है, उतनी ही आकर्षक है उनके सिर पर विराजने वाली पेशवाओं की पगड़ी। बाबा भैरवनाथ को पगड़ी पहनाने की ये परंपरा लगभग 350 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कहते हैं कि शिप्रा के तट पर काल भैरव के मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने करवाया था। शत्रुनाश मनोकामना के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ मराठा काल में महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के बाद तत्कालीन शासक महादजी सिंधिया ने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान के सामने पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि युद्ध में विजयी होने के बाद वो मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। काल भैरव की कृपा से महादजी सिंधिया युद्धों में विजय प्राप्त करते रहे। इसी के बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती रही है। उज्जैन जो है सिंधिया स्टेट में रहा है, तो यहाँ का सारा जो था वो सारे मंदिरों पे भगवान की सारी सेवाएं वहाँ से आती थी, और उस परंपरा में भगवान को ये पगड़ी यहाँ धारण कराई जाती है। वो स्टेट से वहीं से उनके यहीं से आती है सवारी में, हर बार यहाँ पर पगड़ी लाई जाती है, और भगवान उनका जो प्रतिनिधि होता है वो पगड़ी लेकर के आते हैं, और यहाँ भगवान को पगड़ी धारण कराई जाती है, और जो पगड़ी होती है वही इनको धारण होती है, अन्य कोई दूसरी पगड़ी यहाँ चढ़ती नहीं। मान्यता है कि जैसे मराठा शासकों के संकट बाबा भैरव ने हर लिए, उसी तरह अपने हर संकट को लेकर यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना बाबा को बताते हैं और शीश झुकाते हैं। सदियों से शिप्रा के तट पर शिव अवतारी बाबा काल भैरव भक्तों के संकट हर रहे हैं, और आस्था का विश्वास यही कहता है कि आने वाली सदियों में भी बाबा स्थायी रूप से कल्याण का वरदान देते रहेंगे। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बढ़ते हैं धर्म सूत्र की ओर और जानते हैं कि आज जीवन में निभाई जाने वाली परंपराओं के पीछे किन तर्कों को आधार बनाया गया था जो कि हमारे जीवन को मजबूत करते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में वनस्पतियों में भी प्राण माना गया है, और साइंस में भी ये बताया गया है कि ये लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो इसलिए शाम में वनस्पतियों में से फूल तोड़ने से या पौधों में से
तोड़ने से इन्हें भी कष्ट होता है, शास्त्र में इसके लिए मना किया गया है। इसलिए शाम को वनस्पतियों में से, वृक्षों में से फूल नहीं तोड़ने चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पीपल का वृक्ष है, उसमें भगवान नारायण का वास है, तो ऐसी स्थिति में शाम के समय में पीपल के वृक्ष के निकट नहीं जाना चाहिए, तो उसके पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। और जितने भी पंच पल्लव हैं, अश्वस्थ है और वट वृक्ष है, इन सब सब सभी किसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए शाम के समय में, ऐसी व्यवस्था आती। प्रार्थना हो स्वीकार में आज की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन फिर मिलेंगे आपसे, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।